दोस्तों नमस्कार, स्टार मीडिया न्यूज डॉट कॉम में आपका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक भानुशाली अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में हुए शामिल। आपको बता दें कि मालाड पूर्व दफ्तरी रोड पर आयोजित भाजपा उम्मीदवार अतुल भातलकर के चुनावी सभा में कांग्रेस मंत्री पुरुषोत्तम रूपाले की उपस्थिति में दीपक भानुशाली ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में प्रवेश किया। आइए देखते हैं उन्होंने इस वक्त पे क्या कहा। मैं सबसे प्रथम तो सभी लोगों का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, और कांग्रेस कांदिवली पूर्व विधानसभा में लगभग समाप्त हो गई है। जो भी बचे खुचे सभी लोग थे, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है, और मुझे लगता है कि ये विधानसभा में 1 लाख से भी ज़्यादा मतों से मैं चुन के आऊँगा। सर, क्या क्या बेसिक मुद्दे थे जिसको सॉल्व करेगा, फिर दूसरी बार आपको लोगों ने चांस दिया? नहीं, ये विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मालाड और कांदिवली दोनों तरफ था, वो सीओडी का प्रश्न करके जो जाना जाता था, वो सीओडी का प्रश्न मैंने हल किया। 500 मीटर की एनओसी की लिमिट 10 मीटर तक लेके आने के कारण सभी लोग अपना काम करने के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए वो उनका प्रारंभ हो चुका। बाकी लोगों की जो अलग अलग समस्या थी वो एरिया वाइज भी मैंने गत 5 वर्ष में हल की। बहुत बड़े कामों को मैंने अंजाम दिया, काम को प्रारंभ हो गया। यातायात की समस्या हो, बाकी समस्या हो, सभी विषयों को लेकर मैंने काम को प्रारंभ किया। आने वाले 5 वर्ष में वो काम भी पूरे हो जाएंगे। कांदिवली पूर्व विधानसभा का 100% विकास आने वाले दिन में हम करेंगे। सवाल है, जिस तरह से तमिलनाडु राज्य में 70% वोटिंग के बढ़ते हैं, मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं बढ़ पाते, तो जनता से क्या अपील करोगी 21 तारीख को, किस तरह से एक उत्साह के तौर पे चुनाव लड़ने जाएगा? नहीं, मैं इतना ही कहूंगा कि चुनाव ये जनतंत्र का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा पर्व है। सभी लोगों ने इस मतदान में हिस्सा लेने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि इस बार मतदान जो है वो मुंबई में 70% से भी आगे चला जाएगा। देखिए, बीजेपी का काम बोलता है। आज मैं कांग्रेस में था, इतने सालों से था, आपने देखा होगा कांग्रेस में कितने बड़े बड़े लीडर निकल गए। उसका कारण क्या, क्यों काम नहीं हो रहा है, और काम के वहाँ पे एक गुटबाजी ज़्यादा हो रही है। आज आपने देखा होगा कि कितनी तादाद में यहाँ पब्लिक जमा थी, उसका कारण है कि आज भी एक नारा है अतुल जी क्यों, क्या काम बोलता है। आज आप देखा होगा कि अतुल जी के साथ इतने, हम तो आज की जो सभा देखी, जितनी पब्लिक देखी, ऐसा ही लगा कि अतुल जी चुन के ही आ गए, खाली हमें देखना है कि कितने मार्जिन से वो जीत रहे हैं। आज भी हम वही बोलेंगे, एक ही नारा रहेगा कि अतुल जी का काम बोलता है। आज मोदी जी का हाथ मजबूत करना है, तो हमें आज के पूरे कार्यकर्ता, पूरी जनता को मैं तो ये बोलता हूँ, इनको चुन के लाइए भारी बहुमतों से।